श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज कर मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमस्कार, इस वक्त मिरर मीडिया की टीम बाघमारा के रामराज मंदिर चिटाही धाम में मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहां पर 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने आज हमारी टीम यहां पर पहुंची है। लेकिन उससे पहले एक झलक मैं आपको फिर से आज मंदिर का दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि क्या कुछ खास है इस मंदिर में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ष हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए और यहां पर ये कह सकते हैं कि आसपास के रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ हम बात करेगा राम मंदिर। ये देखने में जितना भव्य है उतना ही शानदार और उतना ही सुंदर और उतना ही यहाँ के लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र। अगर हम बात करें तो 220 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े आंध्र प्रदेश के गोपाल राव के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये रामराज मंदिर आज लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। ना सिर्फ आस्था हम बोल सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पर्यटक स्थल भी बना हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी किस तरह से मंदिर में, आप एक बार देखिए कितने ज्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। इतनी विशाल का मंदिर है और उतने ही ज्यादा यहाँ पर लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी संख्या में हर रोज यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अगर हम बात करें कि अगर कोई फेस्टिवल होती है, अगर कोई त्योहार होता है या फिर अगर नववर्ष होती है तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। चलने की जगह नहीं होती है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 9 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन 9 दिनों में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। कई बाहर से जो है कार्यक्रम कलाकार भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें 16 तारीख को कुमार विश्वास आ रहे हैं, साथ ही साथ खेसारी लाल आ रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो श्री विष्णु महायज्ञ होने वाला है उसकी पूजा जो की जाएगी वो पूरी के शंकराचार्य के द्वारा की जाएगी जो यहाँ पर पूजा करेंगे। वहीं बाघमारा के विधायक झुलू महतो जो है वो मुख्य यजमान रहेंगे और पूजा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे काफी संख्या में मैं आपको दिखा दूं कि लोग मौजूद है, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। आप क्या मंदिर, आप इसे पहले भी आए हैं आज पहली बार मंदिर आए? जी पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुओं के लिए जो भी ये बनाया गया रामराजी मंदिर, काफी समय से इंतजार था इस चीज का और आज वो काफी समय बाद पूरा हुआ है। काफी अच्छा लगा आकर यहाँ पर। किनके साथ आए हैं? जी हमारे मित्र हैं, हम लोग पटना से आए हैं और खास रामराज मंदिर के लिए ही हम लोग आए हैं। पटना से आए हैं जी। तो आज आप आए हैं तो क्या आप दोबारा भी यहाँ आना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, और लोगों को सजेस्ट करेंगे? जी जी जी, हम इस बार आएंगे, अभी तो मित्र के साथ आए हैं, अगली बार आएंगे तो फैमिली के साथ आएंगे और लोगों को भी बताएंगे। क्योंकि हमारे हिंदुओं के लिए ये रामराज मंदिर मतलब श्रद्धालुओं को देखा जाए तो काफी बड़ी चीज है और काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें ये बताया कि अपने दोस्त के साथ आए हैं, पहली बार है, पटना से आए हैं क्योंकि नाम सुना था कि रामराज मंदिर एक बार जरूर जाना, क्योंकि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है, साथ ही साथ आकर्षण का केंद्र, क्योंकि भव्य मंदिर आस्था भी उतना ही रखता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पे जो मांगते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। कुछ और भी लोग मौजूद है, कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि इस बार अपने दोस्त के साथ आए हैं लेकिन अगली बार वो अपने परिवार के साथ आना पसंद करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए, आज आप मंदिर आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आज आप कभी आई हैं यहाँ पर? एक बार और आई थी, ये सेकंड टाइम है। किसके साथ आई थी आप? हस्बैंड के साथ आई थी, आज पूरे फैमिली के साथ आई हूँ। दोबारा आप यहाँ पे आना पसंद करेंगी? जरूर आना पसंद करूंगी। क्या मांगा? ऐसी मान्यता है कि यहाँ से जो मांगते हैं वो मिलता है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा तो बताइए। अब जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता है तो पूरी हो जाए बस। ऐसा कोई आपने मन्नत मांगी जो पूरी हुई है अगर हम बात करें पिछले बार की? अभी तो आई हूँ, देखा जाए पूरा हो जाएगा भगवान की कृपा रहे तो। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले ये आई है, ये दूसरी बार आई है। पहली बार जो भी आता है अगर दोस्तों के साथ आता है तो अगली बार वो जरूर कोशिश कर रहा है कि वो अपने परिवार के साथ आए। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं ये मान्यता है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। रामराज मंदिर है, हम और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पे आ रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। पंडित जी से भी हम जानेंगे। आप बताइए पंडित जी कि हर रोज यहाँ पर इतने लोग देखने को मिलते हैं, आज ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, रोज यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं मनोकामना पूरा भी होता है। त्योहारों के दिन में क्या यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या लगता है आपको कि कितनी संख्या में लोग? लाखों लाखों लोग लगातार 9 दिन लाखों की संख्या में भीड़ होगी। कल तो कलश यात्रा है, दामोदर नदी से कलश लेके भक्तगण आएंगे राम मंदिर और तकरीबन लाखों की संख्या में भीड़ रहेगा। हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा होगी, शोभा यात्रा निकाला जाएगा। सुबह 6 बजे से कतारों में लगेंगे लोग भक्तगण यहाँ से लेकर दामोदर नदी तक।
तो जैसा कि आपने देखा कि कलश यात्रा निकाली जाएगी, दामोदर नदी से जो है कलश में जल लिया जाएगा, 17 किलोमीटर लंबा सफर तय किया जाएगा और उसके बाद वो कलश जो है वो यहाँ पे लाके यहाँ पे अर्पित किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा भव्य यहाँ पर कलश यात्रा भी निकाला जाएगा। 17 किलोमीटर तक यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद रहेंगी और यहाँ पर जो विष्णु महायज्ञ हो रहा है उसे लेकर भी तैयारियां चल रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना सिर्फ भगवान राम सीता के साथ विराजमान है लेकिन कृष्ण भगवान भी है, साथ ही साथ हनुमान जी भी है, विष्णु भगवान भी स्थापित है और लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। हम यहाँ भी कुछ लोगों से जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ राम मंदिर की जो एक पहचान ये है कि जो टीका लोगों को लगाया जाता है वो पूरे माथे पे जो चंदन का जो टीका लगाया जाता है आपको मैं दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि किस तरह से ये यहाँ का एक प्रतीक है कि अगर कोई राम मंदिर आता है तो उसके सर पे उसके ललाट पे ये टीका जरूर देखने को मिला जाता है। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे आते कितनी आस्था रखते हैं और वो चीज यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। हम पंडित जी से बात करेंगे, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। पंडित जी आप बताइए कि हर रोज यहाँ पे कितने लोग आते हैं, क्या आस्था आपको दिखती है? सबसे पहले आपके चैनल मिरर मीडिया के जितने भी दर्शक हैं सभी को सीताराम। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चंदन लग रहा है अष्टगंध चंदन, ये त्रिपुंड तिलक इसलिए लग रहा है कि ये भगवान भोलेनाथ का ये टीका है और ये मस्तक को भी जो है शांत रखता है। मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ के कारण किसी प्रकार का परेशानी ना हो, सब शांत रहें, सभी शांति में रहें, यही सब कामना है। जितने लोग यहाँ आते हैं उनके अंदर भी एक आस्था देखने को मिलता है कि उन्हें टीका जो है मस्तक पर लगवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिटाही धाम का ये पहचान बन चुका है। चिटाही धाम का ये तिलक जो है पहचान बन चुका है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि चिटाही धाम का ये एक पहचान बन चुका है, कुछ श्रद्धालु आप बताइए कि आज आप यहाँ पे क्या पहली बार आए हैं? जी हम पहली बार आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगली बार आप आना चाहेंगे? एकदम हर साल आना चाहेंगे। जी हर साल आना चाहेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी मंदिर को बने हुए 2 साल हुआ लेकिन लोग जो है अब यहाँ पे काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। बात अगर हम करें तो शहर से काफी दूर होने के बावजूद भी अगर इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें जो टीका की, अगर हम बात करें जो मस्तक पे जो चंदन का टीका लगाया जा रहा है, जो पूरे मस्तक को हम ये कह सकते हैं कि पूरे मस्तक पे लगाया जा रहा है, तो पंडित जी ने बताया कि माथे को शांत रखने के लिए और कहीं ना कहीं ये चिटाही धाम के लिए एक प्रतीक भी बन चुका है। चिटाही धाम की वजह से आज यहाँ पे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। मेले का आयोजन किया जा रहा है, 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मंदिर का निर्माण होने से यहाँ रह रहे और आसपास के क्षेत्र लोगों को किस तरह से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और साथ ही साथ किस तरह से रोड का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का एक हम ये कह सकते हैं कि जरिया भी बन चुका है। कुछ और भी लोग हैं, हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे, उनसे भी जानते रहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपको दिखा दूं कि मंदिर में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, मंदिर का दृश्य दिखाना चाहूंगी। जितना भव्य ये मंदिर है उतना ही सुंदर ये मंदिर है और हम ये कह सकते हैं कि अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, मनोहर ये मंदिर जो है लोगों के लिए उतना ही ज्यादा आस्था रखता है। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग आने वाले हैं, लाखों लोग आने वाले हैं। कलश यात्रा निकाली जाएगी कल सुबह 6 बजे, 17 किलोमीटर जो सफर तय किया जाएगा, दामोदर नदी से कलश में जल दिया जाएगा और उसके बाद मंदिर में पुनः इसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसकी तैयारियां की जाएंगी, तैयारियां लगातार 9 दिनों तक यहाँ पे तैयारियां की जाएगी। बाहर अगर हम बात करें तो मेले का भी आयोजन किया गया है, तैयारियां जो है वो जोर जोर से चल रही है। मंदिर में भी अगर हम बात करें तो सभी तैयारियां देखने को मिल रही है। हम बाहर भी जाएंगे और जायजा लेंगे कि किस तरह से बाहर में मेले की तैयारियां चल रही है। इस मंदिर से कई लोगों को फायदा हुआ है और ना सिर्फ फायदा हुआ बल्कि एक रोजगार का स्रोत मिला है आसपास के रहने वाले लोगों के लिए। ये मंदिर आस्था का केंद्र है लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं रोजगार का भी केंद्र है। अगर हम बात करें तो सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है ये मंदिर, क्योंकि इतना सुंदर ये मंदिर है कि यहाँ पे लोग आते हैं और फोटो जरूर क्लिक करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आप मंदिर पहली बार आई हैं, कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप दोबारा आना चाहेंगी? आज आप क्यों नहीं दोबारा आएंगे? कुछ मन्नत आपने जरूर मांगी होगी, विश्वास आपको कि पूरा होगा? हाँ विश्वास होगा तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, आप मंदिर आई हैं, पहली बार आई हैं क्या? नहीं तीसरी बार आई हैं। तीसरी बार आई हैं और लोगों के साथ भी आप लोगों को सजेस्ट भी करेंगी कि मंदिर बहुत सुंदर है? सही बात। कुछ ऐसी मन्नत थी जो आपकी पूरी हुई है? हाँ पूरी है जी।
तो हम ये कह सकते हैं कुछ बच्चे भी, आप बताइए कैसा लग रहा है आज आप मंदिर आई हैं? बहुत अच्छा। अपने शहर में इतना सुंदर सुंदर जो मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या आप दोबारा आना चाहेंगी? पहली बार आ रही हैं? तीसरी बार आ रही हैं। यानी कि लोग जो यहाँ आते हैं वो बार बार जरूर आते हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ये कहना था कि हमारे शहर में शायद इस तरह से मंदिर, क्योंकि अगर हम बात करें तो अयोध्या में रामराज मंदिर की जो भूमि पूजन कर दी गई है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोयलांचल वासियों के लिए अपने शहर में रामराज मंदिर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे खुद के धनबाद में इस तरह से भव्य मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, क्योंकि ये मंदिर इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है, इतना मनोहर है कि लोग यहाँ आते हैं और फोटोज जरूर क्लिक कराते हैं काफी संख्या में। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी, आप देखिए किस तरह से पूरे परिवार के साथ यहाँ पर फोटोज लोग क्लिक करा रहे हैं। और मतलब ये हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ आते हैं तो जरूर अपने साथ कुछ यादें समेट कर लेके जाते हैं कि हम मंदिर आए हुए हैं। जो यहाँ फोटोग्राफर, एक बार हम उनसे बात करेंगे कि हर रोज कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, एक बार हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप जो फोटोज आप ले रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी हर रोज यहाँ पे कितने ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो फोटोज क्लिक कराते हैं? श्रद्धालु तो यहाँ बहुत आते हैं, हजारों की संख्या में। हर दिन में पर डे आप कितने फोटोज क्लिक करते हैं? वही 40-50 फोटो। 40-50 फोटोज आप ले लेते हैं। क्या उम्मीद है आपको कि अब जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होने वाले, इसमें संख्या तो और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तादाद में लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मंदिर के होने से आप लोगों के लिए भी रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर मिला? अवसर मिला है पूरा अच्छा से। तो जैसे कि आपने देखा कि हर दिन नहीं भी तो 40 से 50 लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे फोटोज क्लिक कराते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा उसमें उससे ज्यादा लोग आएंगे, और इन लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी है। लोग अपने साथ मंदिर में जो है अपनी मनोकामनाएं तो मानते ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से आस्था को भी एक तस्वीर के जरिए अपने साथ लेकर जाते हैं। तो अब हम एक बार बाहर भी जाएंगे, उनका जायजा लेंगे, हालांकि कुछ और श्रद्धालु है। आप बताइए कि आज आप मंदिर पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने शहर में इस तरह से भगवान राम के मंदिर होना, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और बहुत मतलब स्पिरिचुअल है। यहाँ आके बहुत ही खुशी मिल रही है, और हम हमेशा चाहेंगे कि आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ आए और इस भव्य मंदिर का दर्शन करें, बहुत मन की शांति मिलती है यहाँ आके। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। कब आएंगे आप दोबारा? जब मौका मिल जाए। कैसा लग रहा है? पहली बार आई है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दोबारा आना चाहेंगे? हाँ। हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ एक बार आता है वो जरूर कहता है कि दोबारा आएंगे, एक मन में शांति होती है। हम बाहर जाएंगे और जायजा लेंगे किस तरह से मेले की तैयारियों को लेकर आयोजन किया जा रहा है। जायजा लेंगे, लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि पीछे में ये जो हाथी हम देख रहे हैं, ये जितनी सुंदर है उतना ही ये आकर्षक है, और लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर फोटोज ली जा रही है। जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये हाथी के सामने यहाँ पर? बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है, लग रहा है यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं भी श्रीनगर से अभी आया हूँ अपने परिवार को लेकर के, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आइए हम चलते हैं और अब मेले का जायजा लेते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर काफी संख्या में जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, और किस तरह से यहाँ रोजगार का अवसर यहाँ पे लोगों को प्राप्त हो रहा है इस मंदिर की वजह से। आपको मैं दिखा दूं कि देखिए हर जगह अगर हम बात करें तो चाहे वो भगवान की तस्वीर हो या फिर पूजा में इस्तेमाल करने वाले जो सामग्रियां होती है उसकी बात करें अगर हम, तो सिंदूर की बात करें, साथ ही साथ जो अंगूठियां है, जो कड़ा है, जो आस्था का केंद्र माना जाता है, जो यहाँ मौजूद है उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे पिछले कई सालों से दुकान लगा रहे हैं? 3 साल से लगा रहे हैं, मतलब जब से मंदिर है आप तब से यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें तो पहले कितने श्रद्धालु आते थे, अभी कितने? बहुत लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ, लाखों लाख आते हैं। आपका ये मानना है कि मंदिर की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को एक रोजगार का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है? हम लोगों को तो अच्छा रोजगार हो गया जी। हर दिन लगभग कितने लोग आपके दुकान से खरीदारी? 2-3 हजार पब्लिक आते हैं। 3 हजार पब्लिक आते हैं, यानी कि 3 हजार पब्लिक आते हैं। ये शुरुआत से है, यानी कि जब से मंदिर का निर्माण हो रहा था तब से ये यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। फूल भी है यहाँ पे, अगर हम बात करें टोकरी भी। आप बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं? जब से मंदिर बना हुआ तब से। अगर पहले की बात करें, जिस तरह से निर्माण धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पहले कितने लोग आते थे, अभी कितने लोग आ रहे हैं? देखिए पहले से तो अभी बहुत ज्यादा आदमी आते हैं, पहले तो शुरू में थोड़ा थोड़ा आते थे, अभी तो पर डे इतना भीड़ होता है कि मतलब पर डे 4000-5000 आदमी आराम से, ज्यादा अधिक आता है। अधिक आता
फेस्टिवल का दिन देखिए, संडे के दिन मोटा मोटी 10 से 15 हज़ार आदमी आता है। 10 से 15 हज़ार हाँ, कोई फेस्टिवल हो गया जैसे अभी जनवरी, एक जनवरी से मैं तो हमको लग रहा है 50,000 लाखों की भीड़ होता है। इससे आप लोगों को कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है, हमेशा रोजी रोजगार चल रहा है हम लोग को। मंदिर बनने से जितना क्षेत्र में है सबका रोजी रोजगार सच चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मंदिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अनुमान आप लगाते हैं कि जो 9 दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें कितने संख्या में लोग आ रहे हैं? कम से कम लाखों का भीड़ पड़े रहेगा, लाखों से ऊपर, 1 लाख जो आप कहा कि हम लोग प्रत्येक जगह देखे हैं, लाख से ऊपर होता है आदमी पर डे। तो लाखों से ऊपर का अनुमान लगा जा रहा है कि हर दिन काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अगर आप देखिए तो आइसक्रीम के भी जो है स्टॉल्स लगे हुए, ये महिला ये है जो यहाँ पे आइसक्रीम, आप बताइए कि आप यहाँ पे कब से है? जब से मंदिर बना तब से। पहले के मुकाबले अगर अभी की हम बात करें तो क्या अंतर आपको देखने को मिला? बहुत अंतर हो गया। हर रोज कितने कस्टमर आते, कितने ग्राहक आते आपके पास? आते हैं, बहुत को आते हैं, गिन कितना गिनिएगा, काफी संख्या में। हाँ, काफी संख्या। तो हम ये देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे हर रोज लोग आते हैं। अब देखिए कि आइसक्रीम के स्टॉल है, पूजा में उपयोग होने वाली चीज है, साथ ही साथ बच्चों के लिए वहाँ पे जो जो है झूले भी लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पे झूले लगे हैं, साथ ही साथ खाने पीने की जो है आइटम्स जो है वो भी अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ इधर इधर भी आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। आप देखिए किस तरह से एक लाइन से यहाँ पे ये सारे सामान जो है इन्हें लगाया गया है, चाहे वो पूजा में उपयोग होने वाले कड़ा हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, इसके साथ ही साथ तमाम चीज जो है वहाँ पे देखने को मिले। एक बार हम झूले वाले से भी जायजा लेंगे कि कितने संख्या में यहाँ पे बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए होता है। तो ये जो झूला है उसमें कितने लोग हर दिन आते, कितने बच्चे आते, कितना लोगों को आकर्षित करता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। कब से आप लगा रहे हैं यहाँ पे ये झूला? हम तो ये 11 तारीख से मेले की वजह से लगा रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको 9 दिन में लगभग कितने लोग आएंगे? तो बहुत, अगले साल तो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था, इस साल भी बहुत ज्यादा ही भीड़ होने का संभावना है, उससे भी ज्यादा। मेले से आप लोगों को काफी अच्छा रोजगार? हाँ, बहुत अच्छा हो जा रहा है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं कि ये यज्ञ स्थल है और यहीं पे जो है यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा। आपको बता दूं कि किस तरह से, आप देखिए कि उसकी तैयारियां की जा रही है, फूल लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सफाई को भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि आप देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य यहाँ पे यज्ञ स्थल बनाया गया है और अंदर में ही यज्ञ किया जाएगा बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा। वहीं आपको मैं अगर बात करूं साफ सफाई की, तो आप देखिए मुख्य गेट के पास से ही किस तरह से गोबर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गोबर हिंदू धर्म में हम उसे काफी शुद्ध मानते हैं। आप देखिए किस तरह से झाड़ू से जो है गोबर जो है उससे पूरे क्षेत्र का जो है सफाई की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ साफ सफाई बल्कि उतना ही ज्यादा इसे शुद्ध भी माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 9 दिवसीय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसे लेकर तैयारियां यहाँ पर चिटाही धाम में जोर शोर से हो रही है। साथ ही साथ आप देखिए अगर हम बात करें मेले की, तो गन्ने का रस, तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये जो बचपन में हमें देखने को मिलता था जिसे हम हवा मिठाई कहते थे, उसे भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। आप यहाँ पे कब से हैं बताइए? हम तो 2-3 दिन से हैं। 2-3 दिन से हैं। कितने कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास? कस्टमर 20-30 को आ रहा है जी। आप लोग कहीं ना कहीं मंदिर होने से आप लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ काफी पहले से हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में अब जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा उसे लेकर जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतने ही ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। लोग यहाँ पे आ रहे हैं काफी संख्या में। आपको मैं दिखा दूं कि ठीक मंदिर के सामने आप देखिए कि कितने सारे जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, प्रसाद को लेकर, फूल मालाएं को लेकर, भगवान की तस्वीर को लेकर। तो ये कह सकते हैं कि रामराज मंदिर जो है ये कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के समय जिस तरह से हमारे देश में, यहाँ तक कि अभी भी कई क्षेत्रों में रोजगार की समस्या जो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मंदिर से आसपास के क्षेत्र के रहने वाले, आसपास के गांव के लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। यहाँ देखिए गुपचुप के भी स्टॉल है, जो एसेसरीज है, जो ज्वेलरीज है, उनके लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा जो श्रोता, देखिए इतना छोटा बच्चा है, आप यहाँ पे कब से लगा रहे हैं स्टॉल? 14 जनवरी से। हर रोज कितने लोग आते हैं? रोज हाँ, माँ मेरा बाबा है। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे स्टॉल में मौजूद है, स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल से जो यहाँ पे यज्ञ की शुरुआत की जाएगी सुबह 9 बजे से, दामोदर नदी से कलश यात्रा जो निकाली जाएगी, 17 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, वापस मंदिर में आकर जो है वो जल स्थापित की जाएगी, जल जो अर्पित की जाएगी, तो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां जो है
पूरी जोर शोर से चल रही हैं और काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो अब जो है ये हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए आस्था का केंद्र और साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काफी संख्या में, एक बार मैं आपको आखिरी बार ये दृश्य दिखा दूं, नजारा दिखा दूं कि अभी जिस हिसाब से भीड़ है, कल यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों तादाद में लोग मौजूद होंगे। तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर ठीक यज्ञ स्थल के पीछे भी यहाँ पर फायर सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर फायर सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौजूद है कि अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है तो उससे भी बचाव को लेकर यहाँ पर इंतजाम किए गए, यानी कि सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया। वहीं यहाँ पर एक कैंप, ये कह सकते हैं कि स्टॉल लगाया गया जहाँ से लोग एंट्री करें और फिर उन्हें जो है एक कलश जो है वो दी जा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है उसे लेकर तैयारियां पुख्ता है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शांभवी, मिरर मीडिया, धनबाद।